नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज और मैं हूँ शीतल खौसी। आयसन मेनगर सिंड्रोम के रोगी पर वोकहार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर नितिन तिवारी ने मध्य भारत में पहली बलून ट्राइक स्पीड वॉल्विलोप्लास्टी को सफल बनाया। डॉक्टर नितिन तिवारी, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर, ने हाल ही में आयसन मेनगर सिंड्रोम के रोगी पर मध्य भारत में पहली बार बैलून ट्राइक स्पीड वॉल्विलोप्लास्टी की है। अब तक इस तरह का यह पहला मामला सामने आया है। यह बलून ट्राइक स्पीड वॉल्विलोप्लास्टी प्रक्रिया अस्पताल के आपातकालीन विभाग में पहुंची 52 वर्षीय महिला पर की गई। 52 वर्षीय महिला सांस की तकलीफ, पेट में खिंचाव, पूरे शरीर में सूजन की शिकायत के साथ वोकहार्ट हॉस्पिटल में पहुंची थी। उसके होंठ, उंगलियां, आंखें फीके नीले पड़ गए थे और उसकी त्वचा का रंग भी नीला पड़ गया था। तुरंत उसकी 2D इको का प्रदर्शन किया गया, जिसमें उसे ट्राइक स्पीड स्टेनोसिस के साथ आयसन मेनगर सिंड्रोम होने का पता चला। आइए सुनते हैं डॉक्टर नितिन तिवारी को। कार्डियोलॉजिस्ट वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर से आपको एक रेयर केस के बारे में बताना चाहूँगा। जो 52 साल की एक लेडी हमारे पास आई थी, जिसे आयसन मेनगर सिंड्रोम और ट्राइक स्पीड स्टेनोसिस, यानी एक वॉल चोकअप था राइट साइड का, और आयसन मेनगर सिंड्रोम, इन्हें ऑक्सीजन की जो कमी होती है, लंग्स ख़राब हो जाते हैं, बिकॉज बचपन से एक छेद रहता है, तो लंग का प्रेशर बढ़ जाता है, फेफड़ों का प्रेशर बढ़ के ब्लड की मिक्सिंग होती है, राइट से लेफ्ट जाता है ब्लड, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा, सैचुरेशन कम होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जनरली ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, बचपन में छेद वगैरह रहता जिसको डायग्नोज नहीं किया गया, जिस कारण से धीरे धीरे खून एक्स्ट्रा जाके फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में ये बहुत कॉमन नहीं होता ऐसे पेशेंट्स, एंड उसमें जो वॉल भी चोकिंग था साथ में, तो उसके कारण से पेशेंट को सांस फूलना, पेट में सूजन, पैर में सूजन, इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे थे। तो हमने आयसन मेंगर सिंड्रोम का तो खैर कोई इलाज नहीं, दवाइयाँ ही हैं जनरली, बट जो वॉल चोकिंग था उसके लिए बलून ट्राइकोस्पिड वॉल्वोप्लास्टी करके हमने एक बलून से उसको वॉल को खोल दिया, ताकि पेशेंट की लाइफ बढ़ सके और उन्हें उनके सिम्टम्स जो थे, पैर में सूजन, पेट में सूजन और सांस फूलना, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। उन्हें 3 दिन रख के फिर हमने डिस्चार्ज किया। पेशेंट अच्छी है और थोड़ा इमोशनली भी अफेक्टेड थी, क्योंकि वो विधवा है और उनका ऐसे में बच्चा भी नहीं हो सकता। आयसन मेंगर सिंड्रोम में प्रेगनेंसी वगैरह भी अलाउड नहीं, क्योंकि बच्चा टॉलरेट नहीं होता, तो उन्होंने एक बच्ची अडॉप्ट की हुई थी, तो उनकी लाइफ बहुत कीमती है और उसे बचाना बहुत ज़रूरी था। हाँ जी, देखिए नॉर्मली आयसन मेंगर सिंड्रोम हर एक बच्चे को नहीं होता, ये जनरली बड़े छेद रहते हैं अगर, और डायग्नोज नहीं होते हैं, ऑपरेट नहीं होते हैं, तो ये छेद के कारण धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है और ये जनरली 40-50 साल के उम्र में, 35 साल की उम्र में पकड़ में आता है, और ये इतना लेट हो जाता है कि ऑपरेशन भी संभव नहीं होता है। तो आइडियली ऐसे बच्चों को स्क्रीनिंग करना चाहिए, स्कूल में स्क्रीनिंग करना चाहिए, खासकर ऐसे बच्चे जिनका वेट नहीं बढ़ रहा, बार बार सर्दी खांसी हो रही, तो उन्हें छेद रह सकता है, उनका इको वगैरह करा लिया तो आपने टाइमली ऑपरेट करा, तो उस आयसन मेंगर सिंड्रोम से आप बच सकते हैं। रही बात बलून ट्रैक्सिड वॉल्वोप्लास्टी का इलाज, जो हमने बलून का किया, उसका जनरली इलाज एक बार हो गया तो जनरली तो 20-25% लोगों में ही प्रॉब्लम आ सकता है वापस, अदरवाइज तो 75-80% लोगों में लाइफ लॉन्ग भी चलता है। खानपान का क्या है? खानपान का कुछ इतना इसमें ये नहीं रहता, बेसिकली एक इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होता है तो वॉल भी और ख़राब हो सकता है। तो ऐसे लोगों ने डेंटल अपना चेकअप बराबर कराते रहना चाहिए, रात को ब्रश करके सोना चाहिए, थोड़ा डेंटल हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। एक चीज यह थी आज की विशेष खबर। फिर मिलेंगे एक विशेष खबर के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बनकर हमें आर्थिक सहयोग करें और तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।